हुकुम भैया कि आज रात के एपिसोड में सल्लब अभी भरोसा करती है और थे ना वो अभी को बताने वाली होती है कि वो प्रज्ञा का हस्बैंड, लेकिन प्रज्ञा से रोक लेती है। इतने में प्रज्ञा को वहाँ देखकर सल्लब और गुस्से हो जाती है और वो प्रज्ञा को थप्पड़ मार देती है। प्रज्ञा सल्लब को समझाने की कोशिश करती है लेकिन सल्लब उसकी कोई बात नहीं सुनती। प्रज्ञा उसे साइड पर ले जाती है और उसे वहाँ बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और दादी भी बात कन्फर्म करती है। सल्लब को यह सुनकर बहुत दुख होता है और सोचती है कि उसे प्रज्ञा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसे प्रज्ञा की बात सुननी चाहिए। इतने में सल्लब प्रज्ञा से प्रॉमिस करती है कि वो आली और तनु से बदला लेने के लिए उसकी हेल्प करेगी। दूसरी तरफ आली और तनु सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो अभी वो कहते हैं कि प्रज्ञा बहुत चतुर औरत है, इसके बहुत लोगों के साथ अफेयर है और इसलिए इसको ये नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन अभी उनकी कोई बात नहीं सुनता और अभी कहता है कि तुम प्रज्ञा पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो, प्रज्ञा ऐसी लड़की नहीं। इतने में आलिया उसे याद करवाती है कि तनु शादी में प्रज्ञा तुम्हारे साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी। इतने में अभी आलिया से कहता है कि हम कल पार्टी दे रहे हैं, तुम उस पार्टी की प्रिपरेशन करो। उस तरफ आलिया तनु प्लान बनाते हैं, वो इस पार्टी में प्रज्ञा के एक और प्लान बनाएंगे और उसे सबके सामने एक्सपोज करेंगे।